जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं एमटी टीवी इंडिया। कोविड-19 वो महामारी है जिसके कारण आज पूरी दुनिया दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। लॉकडाउन में देश के सभी राज्य पूरी तरह लॉकडाउन में है। महाराष्ट्र, पंजाब, पुडुचेरी में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है और अब ऐसे समय में देखा जा रहा है कि शहर के प्रमुख सब्जी मंडियों में जाने फिरने के समय भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए इस वैश्विक महामारी के दौरान हरी सब्जियां रोजाना खाएं? शायद नहीं। और इसलिए एमटी टीवी इंडिया चाहता है कि आप घर पर ही रहें और घर पर रहकर रसोई में मौजूद सामान से ही व्यंजन बनाएं, जिससे आपको बार बार सब्जी लेने के लिए घर से बाहर मंडियों में ना जाना पड़े। ये कुछ ऐसे व्यंजन है जिन्हें आपको बता रहे हैं, जिन्हें बनाकर आप 15 से 20 दिन तक घर से बाहर जाने से बच सकते हैं। व्यंजन है दही का रायता, कड़ी, गट्टे की सब्जी, दाल, राजमा, छोले, मंगौड़ी, भीगा हुआ चना, दाना मेहती, सांगरी, लहसुन की चटनी, मूंग मोगर, बेसन छूकड़, पापड़ की सब्जी, सेव टमाटर, हलवा, खीर, बाजरी, मक्का की राबड़ी, ग्वारफली की सब्जी, खिचड़ी, दाल ढोकली, खिचड़ा, इडली सांभर, बाजरे की कुटिया, राबड़ी। ये सभी व्यंजनों को बताने के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ आपकी और समाज की सेहत है। आप घर से कम से कम बाहर निकलें, घर में ही रहकर किताबें पढ़ें, क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो घर से नहीं निकलना है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकेंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।